बद से बदतर हो चुकी सामाजिक व्यवस्था का असर सरेआम दिखाई दे रहा है। एक तरफ पटरी से उतरी कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का दम सूबे के सुल्तान से लेकर जिले के पुलिस कप्तान तक भर रहे हैं, लेकिन अपराधी वारदात को अंजाम देने में पीछे नहीं हटते। इसी तरह का मामला सामने आया हनुमना से, जहां आपसी सुलह कराने पहुंचे युवक को क्या पता था उसके प्रयास से भले ही आपसी सुलह हो जाए, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। हुआ कुछ ऐसा कि गत रात जिला मुख्यालय से 95 किलोमीटर दूर स्थित हनुमना कस्बे में संचालित पान की दुकान में गोमती के मालिक और एक अन्य स्थानीय युवक महादेव भुजवा के बीच महज 1 रुपए को लेकर विवाद हो गया। गोमती में पान खाने पहुंचे युवक विनोद कुमार ने विवाद को सुलझाने की कोशिश की तो गुस्साए महादेव भुजवा और उसके साथियों ने मिलकर विनोद पर डंडे से हमला कर दिया, जिसे इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विनोद कुमार गुप्ता निवासी हनुमना वार्ड क्रमांक 11, वो क्या इलेक्ट्रॉनिक का काम करता है, मैकेनिकल काम करता है, लाइट फिटिंग वगैरह। विवाद वो अपने घर के पास एक पान का टपरा है वहाँ पे खड़ा था, तो 3-4 लोग ये थे और ये पान वाले के यहाँ पान वान खाए, उसका पैसा वैसा लेने देने के चक्कर में उससे बहस हो रही थी, तो ये बीच में बीच बचाव करने गए कि भाई बहस क्यों कर रहे हो, तो ये लोग उससे उलझ गए और उसके साथ फिर वहाँ एक दो मतलब 2-3 हाथ मारपीट हुआ। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए घर और ये भी अपने घर चले आए। उसके 10 मिनट बाद ये फिर अपने घर से बाहर निकले, वो लोग पीछे से आके 6-7 लोग उसके ऊपर वार कर दिए लाठी डंडे से, उसको मारने लगे। कौन लोग थे वो? महादेव भुजवा, बोलू भुजवा, सोनू भुजवा और उन महादेव की माँ और उनकी बहन, 3 औरतें थी और 5 लोग वो लोग थे।